पिछले साल जब कोविड का जो एक मौका हुआ और उससे मुतासिर लोगों के लिए जब मसाजिद वाले यानी मसाजिद की कमेटियां हम लोग जब लोग जो है अफरा तफरी का आलम था हॉस्पिटलों को जाने के लिए डर रहे थे, खौफ था के डर के मारे खौफ के मारे जो है घरों में बंद हो गए थे और अफवाहें भी फैल रही थी कि हॉस्पिटलों में गए तो लोगों को मार दें। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारे मस्जिद के साथी जो है कमेटी के लोग बाहर निकले और इसके तदारुक के लिए क्या करना है ये सोचे, तब जो है कोविड सेंटर बनाने का तजवीज जो है हमने कमेटियों के सामने रखा। उसके बाद जो है शहर के मशहूर लोग आ गए, हमायदी ने शहर जुड़ गए और सियासी लोग जुड़ गए। एक बहुत बड़ा काम हुआ पिछले मरतबा। तो जब कोविड सेंटर बंद हो गए तब हमारे मसाजिद के कमेटियों के लोग मिलकर बार बार मशवरा करते थे कि अब क्या करना है। ये जो कोविड के जरिए से जो सेंटर बने थे उसमें बहुत बड़ा खैर का काम हुआ है, 1400 मरीजों का इलाज हुआ। एक छोटी सी रकम में अच्छी तरीके का इलाज हम कर सकते हैं ये हमें मालूम हुआ। तो मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो मसाजिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, हम आवाम की बराबरी के हर काम को हर नजरिए को सामने रखकर काम कर सकते हैं ये सोचकर हम लोग जो है एक जनरल हॉस्पिटल बनाने का सोचे। तो उसके तहत एक 20 मसाजिद के एसोसिएशन हमारे साथ मिले। तो 20 मसाजिद के एसोसिएशन मिलकर एक फोरम बनाए हम। वो फोरम जो है मैसूर मसाजिद एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करवाया गया। फिर उसके तहत जो है हमने पहला इंस्टीट्यूशन एमएमए हॉस्पिटल कायम किया। इसका मकसद था कि आवाम को कम खर्च में इलाज हो, इसका अहम मकसद। तो इसके जरिए से हमें पहले मरहले पर जो है डॉक्टरों से, हमारे शहर के जाने माने डॉक्टरों से हमें तबादले ख्याल करें, उनसे बातचीत की, उनको एक जगह जमाया गया। फिर उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को यानी हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस का समझ में आया और वो लोग भी जो है खिदमत करने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ 20 डॉक्टर्स का एक पैनल तैयार हो गया।
तो उसमें सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, ये सब तैयार होकर हमारा साथ देने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया। तो ये दो यानी दो कमेटियां मिलकर एक प्लेटफॉर्म जो है मसाजिद के एसोसिएशन का और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है डॉक्टर्स का प्लेटफॉर्म, ये दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर हमें ये हॉस्पिटल की बुनियाद बनाई, बुनियाद रखी। और डॉक्टरों से हमें कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे, मेंटेनेंस का जितना भी काम आएगा वो सब हम करेंगे, फाइनेंस का जो है जितना भी होगा वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप अंदर के मामला जो मेडिकल लाइन के सर्विसेज के मामला थे वो आप करना। तो अंदर का मामला डॉक्टर्स तैयार हो गए, अब हमारे साथ डॉक्टर्स कई डॉक्टर्स ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो इसके जरिए से पहले मरहले में ओपीडीज शुरू हुए, ओपीडीज जो है चार है हमारे पास, उसमें कंसल्टेंट्स आना शुरू हुए, कंसल्टेंट्स जो है 50% पे काम करना शुरू करें। तो उसके बाद बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आकर देखे तो ये होम का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसलिए वो फ्री करना भी फ्री भी किए, फ्री कर रहे हैं अभी कंसल्टेशन। तो ऐसा ये एमएमए हॉस्पिटल शुरू हुआ। शुरू होने के बाद जो है इन पेशेंट्स भी शुरू हुआ ओपीडी के बाद, और हमारे पास फार्मेसी भी शुरू हुई हॉस्पिटल में। उस फार्मेसी में जो है हमें दवाइयां 25% तक हमें उसमें कंसेशन दे रहे, वो भी एक फार्मेसी शुरू हुआ। इसमें एक अहम जरूरी बात है कि हमें हमारे रघुलाल एंड संस के जो मालिक हैं राघव, वो विजिट किए थे हमारे हॉस्पिटल को, 10 लाख का मेडिसिन डोनेट की। तो इसलिए हम 25% जो है 25% तक जो है हमें कंसेशन भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। फिर हमारे पास क्वालिटी के तहत रिपोर्ट्स देने का एक लैबोरेटरी है, अच्छे कॉम्पिटेटिव रेट्स में जो है वो लैबोरेटरी काम कर रहा है। उसके साथ हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटीज भी है, डिजिटल एक्सरे है, वो भी कम दामों में हमें चला रहे हैं। और ये सर्विसेज तमाम सर्विसेज जो है 24 घंटे दिन के चल रहे हैं, दिन में और रात में हॉस्पिटल चलती है। अब तक जो है चार में हमें 6,000 पेशेंट्स जो है हमारे इलाज करकर हमारे हॉस्पिटल में सेहताब होकर गए हैं। जो कंसल्टेंसी जो है हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं वो लोग 50% ले रहे हैं, बाहर अगर 300 है तो यहाँ 150 लेते हैं, बाहर अगर वो 400 ले रहे हैं तो हमारे पास 150 लेते हैं। और ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो कंसल्टेशन जो है 50 रुपीज से हमारा कंसल्टेशन फीस है। तो उसके अलावा और भी खिदमत हॉस्पिटल के, सबसे मेन खिदमत जो है हमारी, हमारा इरादा था कि वेटरनरी हॉस्पिटल बनाए एक अच्छे तरीके से, वो हमारे ट्रस्ट के सदर जनाब फतेह साहब आपको वजाहत करेंगे। इसके अलावा अब जो मरहला आया दूसरा कोविड सेकेंड वेव का, जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो हमें सोचे कि हमारे हॉस्पिटल में हम कोविड सेंटर बनाएंगे ताकि लोगों को आसानियां हो जाए या सहूलतें हो जाए। इसके जरिए से डॉक्टर्स को भी बात किए, डॉक्टर्स भी तैयार हो गए, तो हमें यहाँ 45 बेड्स की कोविड सेंटर बनाया। उसके डायरेक्टर जो है हमारे डॉक्टर नूरुद्दीन साहब हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, वो लास्ट टाइम भी कोविड हॉस्पिटल में डायरेक्टर थे, बड़ा काम किए। तो हमारे यहाँ बेड चार्जेस जो है इस कोविड सेंटर में हमें कैलकुलेट करके बहुत कम, नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत 1,500 रुपये एक दिन का चार्ज हमें ले रहे हैं, एक्सेप्ट मेडिसिन छोड़कर बाकी का पूरा खर्चा मिलाकर जो है 1,500 रुपये विथ फूड हमें एक पेशेंट के पास लेते हैं। तो हमारे पास जो है फैसिलिटीज हैं, पूरे इक्विपमेंट्स हैं,
और माइल्ड केसेस ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन फैसिलिटी हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई नहीं है और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त किए हैं कि हमें ऑक्सीजन सैंक्शन करो। जब तक वो ऑक्सीजन सैंक्शन नहीं करते हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास 5 लीटर के 10 से या 14 है 10 लीटर के 10 है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में हमें इलाज कर रहे हैं। तो ये 25 जो है कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास लगभग है और हमारा बहाना खर्च जो है हॉस्पिटल का 10 लाख रुपया। ये जो है हमें सोर्सेस अलग अलग बनाए हैं। एक जो है मसाजिद का सोर्स है, मस्जिद में जो है महाना एक जुमे का कलेक्शन हर मस्जिद हमें देती है। जो मस्जिदें 20 मस्जिदें हमारे साथ हैं वो मस्जिद में महाना एक मस्जिद का चंदा हमें एक जुमा का चंदा हमें देते हैं उसका है। और फिलंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, वो भी डोनेट करते हैं। उसके जरिए से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। पेशेंट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन नहीं होता, सिर्फ हमारा खर्चा जो है ड्यूटी डॉक्टर्स का खर्चा होता है और नर्सिंग स्टाफ का खर्चा होता है, क्लीनिंग सफाई का खर्चा उतना ही पेशेंट पर जो है खर्चा होता है, बड़ा कम होता है। जैसा कि आम जो मीडियम क्लास हॉस्पिटल से उससे हमें वहां की कास्ट जो है उसका 25% हमारा कास्ट है। समझो कि वहां 1000 रुपीज है तो हमारे पास 250 रुपीज है, तो बिल्कुल कम होता है। तो इस तरीके से हम जो है ये कोविड सेंटर चला रहे हैं, आवाम को सहूलत हो और इसकी वजाहत हमें करना था, आवाम फायदा उठाए। इसके जरिए से आए हमारे पास जितने भी मेल केसेस हैं और इस बार का कोरोना का जो है कैरेक्टर अलग है उसकी वजाहत हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। और वेटरनिटी का कांसेप्ट जो है और वो कैसे करना है हमारे ट्रस्ट के सदर साहब जनाब फतेह साहब हमारे वजाहत करेंगे। इतना कहते हुए वेटरनिटी का तो स्टार्ट हो गया है, हमें वेटरनिटी का पर बिल्डिंग तो रेडी हो गई है, लिफ्ट का काम काफी है। इंशाल्लाह ये कोविड के बाद वो भी रेडी हो जाता है। उसके बाद ऊपर मिशनरीज डिलीवरीज के वास्ते वो भी पूरे हम बहुत जने उसके वास्ते ताउन कर बोली, इंशाल्लाह वो भी अब कोविड आ गई उस पर हमें ज़रा पेंडिंग करी। अगर कोविड की बीमारी इंशाल्लाह पूरी ये होगी के बाद हमें वो मेटर्निटी का जो भी मिशनरीज है वो भी फिट कर दिया। हमें बहुत ही हमारा सबसे मेन ऑप्शन ये क्या है प्रोग्राम आइंदे को मेटर्निटी का मेटर्निटी डिलीवरी का जो कम पैसा में हमें अभी काफ़ी ज़्यादा बहुत पैसे ले लेते हैं और डब्बो होंगे 5000 या 6000 कर लेते हैं सर। ऑपरेशन करना तो जरा अभी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो मेन हमारी एम एम ए हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है। इन शाला वो जरूर हो इनशाला शुक्रिया सर। इसी तरह से इंजेक्शन के चार्जेस जो रेगुलर इंजेक्शन पैरासिटामोल इंजेक्शन थी वो तो मैं बाहर गए तो तकरीबन 100 रुपए 150 रुपए पड़ता है, यहाँ पे हमारे 20 और 30-40 रुपए में इसका काम होता है। तो जो भी हमें क्राइसिस लिविंग पेशेंट्स के पास बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस ही मेंटेनेंस के वास्ते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो लोग नहीं बोले उसके बावजूद हॉस्पिटल का मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये लोग अपनी प्रभारियों से हॉस्पिटल का मेंटेन कर, बहुत बड़ी बात है। जबकि खर्चे से हॉस्पिटल का मेंटेनेंस चला रही है तकरीबन सर महीने में 2 लाख 2.5 लाख रुपया अपने जेब के खाता से लोग चला रही है, लाइन की प्रभारी। एक हुआ दूसरा जो 45 बेड का हमें कोरोना के जो यूनिट स्टार्ट कर दी उसका क्या है क्योंकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से ऑक्सीजन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमें जैसे सर बोले हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर काम चला रही है। हमारे पास 5 लीटर के 14 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 10 लीटर के 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज आपको भी जिसका मैं फंक्शन अभी आपको एनालाइज करना है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास नहीं तो उससे लिमिटेड पेशेंट्स के सैचुरेशन ड्रॉप होने पर हमें उस
उसका इलाज कर सकती है। मसलन क्या, 5 लीटर का जो कॉन्सेंट्रेटर है उसे 89, 88, 90 जितना पेशेंट का सैचुरेशन ड्रॉप हो कर रहा था उसे हम लेने लगा था 93, 94 कर सकते। 10 लीटर के कॉन्सेंट्रेटर में मैक्सिमम 85, 84 इतना रहा था, इसे ले लगा था हमें अबाउ 90 ले लेगा आ सकते हैं। लेकिन ये कोरोना का ट्रेंड ऐसा है कि पहले जो फर्स्ट वेव में था हमें सीटी सीवियरिटी से हम उसके डिसीजन लेते थे। सीटी सीवियरिटी 12 है 13 है, वोट ऑफ 25 उसे ग्रेड करती 12 है 13 है 14 है 15 है, तो पेशेंट ले लेते थे तो वो पेशेंट इम्प्रूव हो जाता था, उसकी सीवियरिटी रेगुलरली कम हो जाती, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली कम होती हमारे ट्रीटमेंट की वजह से। तो एक हफ्ता 10 दिन में उसे हमें अच्छा घर को भेज सकते थे जल्द। लेकिन इस बार का जो कोरोना का ट्रेंड है क्या हो रहा है, पेशेंट की सीवियरिटी ट्रीटमेंट के बावजूद बढ़ जा रही है प्रोग्रेसिवली। अगर मैं पेशेंट को एडमिट कर रही हूँ उसे जो प्रॉपर मेडिसिन की गाइडलाइंस के तहत वो उसे स्टार्ट कर रही और उसे कॉन्सेंट्रेटर बदल रही, तो 3-4 दिन में क्या होता है उसकी सीवियरिटी बढ़ कर उसका सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रहा और ज्यादा डाउन हो जा रहा। अच्छा, तो इसकी वजह से हम ना रेगुलेशन में हमें मेडिसिन में ज्यादा करना पड़ रहा है, बहुत सारे हम ना मसाइल परेशानी जो हमने जूझने की कोशिश कर रही, तो पब्लिक से कॉपरेशन की उम्मीद रखी हमें कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा डिसैचुरेटेड हो रहता है और एल्डरली 50-60 साल से ऊपर होता है जिनको शुगर और बीपी की भी बीमारी रहती है, हार्ट की बीमारी रहती है, मॉर्बिडिटीज रहती है, वो मॉर्बिडिटीज को मॉर्बिडिटी के साथ ले लेगा तो हमें उनका इलाज करना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कोई पेशेंट को ले लेकर हमारे पास एडमिट करता है उनके घर के रिश्तेदारों उनके जगीदार रिश्तेदारों को एडमिट करने के बाद उन्हें मुतमिन हो जाते हैं कि अभी हमने बेड मिल गया इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब उनका इलाज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से डिटेरियरेट हो रही है। तो हमारे लिमिटेशन के तहत हमें जितना इलाज कर सकते हैं का हमें 100% नहीं 200% कर दीजिए, लेकिन जब हमें लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हैं तो हमें पब्लिक से कॉपरेट करने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलो हमारे ऊपर अननेसेसरी फोर्स ना लगाओ। और इवन कोविड के जो 45 बेड्स का जो निज़ाम चला कोई तो कोई भी कमर्शियल हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो जैसे कि साहब वाले 35% में चल रहा है, ये सब नॉमिनल चार्जेस हैं। हमारे कौन से दरखास्त है कि हमारे फैसिलिटीज़ का सही फायदा उठाएं और हम ना कॉपरेट कर पाए, हम ना आपकी खिदमत करने का मौका मिलता। बिल्कुल अच्छा।